इस धारावाहिक के प्रोजेक्ट हैं टीपी हवेलिया जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको धारावाहिक 22 जी को दिखाता हूँ। इसमें अच्छे अच्छे कलाकारों ने काम किया है और ये मनोरंजन के लिए आयुर्वेद पे आधारित एक धारावाहिक है। इसमें किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन लाइफ क्या होती है, थोड़ा सा झलक उसमें है। ये धारावाहिक इस बात को लेकर बना है कि आजकल की हम लोगों की भागम भाग की जिंदगी में किस तरीके से हम लोग हास्य और व्यंग में थोड़ा सा अपना रुझान बढ़ाएं, क्योंकि ये हास्य जो है एक प्रकार की चिकित्सा थेरेपी का काम करता है और एक समय में आयुर्वेद का बहुत महत्व था और वही चिकित्सा थेरेपी आज हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। फिर भी दोनों एक साथ रहते थे, अब आप देखिए आगे क्या होता है। पूलन पता नहीं गायब हो जाती है, 2 घंटे हो गए, चाय की तलवे लग रही है, क्या करूं पता है। कहां गई थी? कहां गए थे? जरा से हटे नहीं, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। कोई काम है क्या? अरे 2 घंटे हो गए तुमको गए हुए है? अरे अच्छा ठीक है, चलो जरा चाय बना दो, तलब लगी हुई काफी देर से, जाओ बनाओ जाके। बैठे बैठे तबियत अखाड़ गई भाई, टहला में जरा सा। चलो जरा सुस्ता लें। आंटी कहते जरा ये लो, हमसे बोला चाय बनाने के लिए और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तुम 2-2 घंटे छोड़ कर चली जाती हो, हम जरा सा सड़क पे चले गए तुम लगी चिल्लाने। अरे भाई तुम जब देखो तब चमकने चली जाती हो। हैं चमकते हैं तो आपके पैसों से चमकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए बैठिए, आप दवाई बनाइए, हम चाय गरम करके लेके आते हैं। तो जब देखो तब हुकुम जाड़ा करती है। इस धारावाहिक में वैद्य एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो खानदानी वैद्य है, जगह जगह तंबू लगाकर
आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से दवा बनाकर वो बेचता था, लेकिन इस कोरोना वायरस के चक्कर में धीरे 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 उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। अब वो इतना परेशान हो गया कि वो क्या करे। तब जो दवा फैक्ट्री के कारखाने का जो मालिक था, उसने अपनी दवा बेचने के लिए वैद्य जी को राजी कर लिया और वैद्य जी इस काम के लिए सहमत भी हो गए। लेकिन वैद्य जी की जो बीवी थी वो उससे भी ज़्यादा चतुर, बहुत फैशनेबल थी, और वो अपने घर में जाकर दवाइयाँ रखते थे, वो देखा करती थी दवाओं को, और धीरे धीरे उसने भी दवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी अपने एक परम मित्र के यहाँ दवा बेचने के लिए दवा लेकर साइकिल से गए, और वहाँ पहुँचने के बाद भाई इनके मित्र ने देखा कि वैद्य जी बहुत दिन के बाद आए, बहुत खुश हुए, बोले आइए आइए, अरे आपका स्वागत है। स्वागत किया, लेकिन वैद्य जी ने अपनी मक्कारी, चापलूसी और चतुराई का हवाला दिखाते हुए खूबसूरती से वो जो दवा कम दाम की थी अपने ही मित्र को दोगुने दाम पे बेचने का प्लान बना लिया, और उसमें वो सफल भी हुए। और वहाँ जाकर उन्होंने वो आयुर्वेद दवा जो कारखाना मालिक ने उन्हें 40 रुपए की